चलाने की ट्रेनिंग के दौरान पुल धंसने की दुर्घटना में रायबरेली के सरेनी विधानसभा का लाल हादसे का हुआ शिकार। यह खबर यूपी के रायबरेली जिले से, जहां उत्तराखंड में जवानों को ट्रेनिंग देते समय रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के जगन्नाथपुर के रहने वाले सूबेदार रामशंकर द्विवेदी घटना के शिकार हो गए। उत्तराखंड के रुड़की के पास पुरखा में 6 जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी पुल बनाने की ट्रेनिंग के दौरान पुल धंसने से गाड़ी पलट गई और उसी हादसे में शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सेना के जवानों ने 2 पुलों का निर्माण कर लिया था और तीसरे पुल का निर्माण करने के बाद उससे गाड़ी निकालने की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक पुल का एक हिस्सा धंसने की लगा। तभी सूबेदार रामशंकर द्विवेदी ने जवानों से भागने के लिए कहा। आखिरकार सभी 6 जवान गाड़ी से कूदकर भाग निकले, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन सूबेदार रामशंकर द्विवेदी पुल धंसने की वजह से गाड़ी पलट कर उसी के नीचे मलबे में दब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मंगलवार को हुए हादसे के बाद गांव में सूचना आने के बाद कोहराम मच गया। जब बीती रात शव गांव पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गांव पहुंचे और सूबेदार रामशंकर द्विवेदी को नम आंखों श्रद्धांजलि दी। गांव में जैसे ही शव अंतिम संस्कार के लिए गंगा तट के लिए निकला तो जगह जगह भारत माता की जय और रामशंकर द्विवेदी अमर रहे के नारों से गलियां गूंज उठी। जगह जगह उनके पार्थिव शरीर को रोककर लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सूबेदार रामशंकर द्विवेदी के दो बेटे हैं जो सेना में ही आज भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर ड्यूटी दे रहे हैं। रामशंकर द्विवेदी का गंगा तट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान SDM लालगंज विनय कुमार, सरेनी कोतवाल प्रभारी अनिल सिंह, सरेनी विधानसभा बीजेपी विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह, सपा के पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे द्विवेंबर सिंह उर्फ बाबा राजा और अभितेंद्र राठौर सपा नेता ने भी सूबेराम रामशंकर द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। देखिए रायबरेली से अवनीश पांडे की रिपोर्ट। और है जो परिवारजन अगर कोई कोई परिवारजन अगर और शिवशंकर आ जाओ, आज शिवशंकर बेटा हो गया तो दैट्स इतना काफी है। अच्छा साहब जी सर, कैप का आएगा, कैप ले लो, कैप ले लो, कैप लगा, तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये समय फसल में और 5 मिनट का बस कार्रवाई है, कृपया करके सभी को रिक्वेस्ट है आप थोड़ा पीछे हो जाइए। ग्राम जगन्नाथपुर निवासी द्विवेदी जी आर्मी में जॉब करते हैं, तो इनकी कल एक रिहर्सल जो इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उनकी आर्मी की ड्यूटीज का पार्ट होता है, उसके दौरान एक दुर्घटना में डेथ हो गई। तो बॉडी आज सुबह 8:30 बजे यहाँ पे प्राप्त हुई है, तो स्थानीय प्रशासन, डिफेंस के लोग, फोर्स के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस प्रशासन सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जा रही है गंगा जी के तट पर। इसी कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, स्थानीय प्रशासन की ओर से, राज्य प्रशासन की ओर से, मैं SDM विनय कॉलेज यहाँ पर उपस्थित हूँ। जो इनकी सहायता अनुमन्य होती है, इनको चूँकि इनकी जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है इसको बैटल इंजरी माना गया है, तो 50 लाख की सहायता इनके परिवार के लोगों को ट्रांसफ़र की जानी है। इनके परिवार के लोगों का अकाउंट डिटेल कलेक्ट कराया जा रहा है, तो इसको यथाशीघ्र हम लोग ट्रांसफ़र करा देंगे और जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ है वो मिलेगा और जो अन्य सरकार की नीतियों के तहत लाभ मिलना है वो सब भी दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सर क्या बताया अभी तक कि कैसे घटना हुई? जो इनके साथ के लोग आए हैं, इनके कलीग्स, उन्होंने बताया कि एक नहर पर एक अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता है ताकि आर्मी को का मूवमेंट आसानी से हो सके, उसी सिलसिले में ये लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे थे। तो 2 ब्लॉक नहर में डाले जा चुके थे, तीसरा ब्लॉक जैसे ही गाड़ी से ट्रांसफ़र करने का प्रयास कर रहे थे उसी दौरान गाड़ी झुकते हुए ये उसको गाइड कर रहे थे, तो गाड़ी पलट गई, उसके नीचे दब जाने से, पानी में गिर जाने से इनका डेथ हुई है।